ताजमहल। ताजमहल का किसको नहीं पता। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ताजमहल की कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाओं के बारे में जिसे आपने पहले कहीं नहीं सुना होगा, जो सुनने के बाद आप हैरान रह जाओगे। अगर आप हाल ही में ताजमहल घूमकर आ चुके हो या आप अगर वहां जाने की सोच रहे हो तो इस वीडियो में जरूर बने रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल लाइटिंग स्काई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आप हमारे इस चैनल की आने वाली ऐसी रहस्यमय वीडियो को मिस ना कर पाए। ताजमहल सिर्फ प्रेम का ही प्रतीक नहीं है, ये आज पूरे विश्व के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु है। इसकी सुंदरता लोगों को हैरान कर देती है। ताजमहल को किस लिए बनाया गया था व किसके लिए बनाया गया था ये आज हम सबको पता है, लेकिन इसकी सुंदरता के पीछे जो रहस्यमय व अद्भुत घटना छिपी हुई है वो शायद ही हम लोगों में से किसी को पता होगा। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आइए जानते हैं उन घटनाओं के बारे में। आपको पता है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ताजमहल की छत को बांस की लकड़ियों से ढक दिया गया था जिसे दुश्मनों की नजर इस पर ना पड़े। इसके बाद सन 1971 में भारत और पाक के युद्ध और 9/11 के बाद ताजमहल की सेफ्टी के लिए बीच बीच में उसको उसी तरीके से बांस की लकड़ियों से ढक दिया जाता है। कहा जाता है ताजमहल को बनाते वक्त 28 तरीकों के बहुत महंगे व मूल्यवान पत्थरों को चीन व तिब्बत से मंगवाया गया था, जिनमें से कुछ पत्थरों को अंग्रेजों के शासन के वक्त उन्होंने चुरा लिया था। पूरे विश्व भर से ताजमहल की सुंदरता को देखने के लिए तकरीबन हर दिन 15,000 से 20,000 तक पर्यटक आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शाहजहां ने एक और काले रंग का ताजमहल बनाने के बारे में सोचा था। उन्होंने ये सोचा था कि जो सफेद रंग का ताजमहल मुमताज के लिए बनवाया था ठीक उसके बराबर में वह अपने लिए एक और काले रंग का ताजमहल बनवाएंगे, लेकिन उनका यह सपना सपना ही रह गया क्योंकि उस वक्त उनके पुत्र औरंगजेब ने उन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। क्या आपको पता है कि ताजमहल के साथ पहली बार सेल्फी किसने ली थी? उस व्यक्ति का नाम जॉर्ज हैरिसन था। क्या आप जानते हो जब शाहजहां ने पहली बार ताजमहल को देखा था तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इस पवित्र भूमि पर जो भी पैर रखेगा वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। हम सबको पता है कि ताजमहल के चारों तरफ चार मीनार बनी हुई है और मीनारों को जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो हमें वह सीधे खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन असल में वह सीधे नहीं है। उनका झुकाव थोड़ा बाहर की तरफ बनाया गया है ताकि अगर कभी भूकंप आए तो वो मीनार बाहर की तरफ गिरे। ताजमहल को तो बहुत लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ताजमहल की छत पर एक छेद है? आखिर ये छेद हुआ कैसे और इसके पीछे की क्या कहानी हो सकती है? तो दोस्तों कुछ ऐसा है कि जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया तो उन्होंने सभी कारीगरों के हाथ कटवाने का आदेश दे दिया था, और जब कारीगरों को यह बात का पता लगा तो उन्होंने गुस्से में आकर ताजमहल की छत पर छेद कर दिया, और इसी कारण आज भी बारिश के समय ताजमहल के छत से पानी टपकता है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ताजमहल का रंग बदलता रहता है? और ये बात सच है, ताजमहल का रंग सफेद होने की वजह से जब उस पर समय अनुसार सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसका रंग हमें बदला हुआ दिखाई पड़ता है। अगर ताजमहल को सूर्योदय के वक्त देखा जाए तो उसका रंग आपको हल्का गुलाबी दिखाई पड़ेगा, लेकिन ठीक अगर सूर्यास्त के समय देखे तो वह आपको हल्का लाल कलर का दिखाई पड़ेगा, और अगर पूर्णिमा की रात को ताजमहल को देखा जाए तो उसका रंग हल्का चांदी की तरह दिखाई पड़ेगा। हाल ही में ताजमहल को लेकर इंटरनेट पर एक खबर काफी चर्चा में रही है कि ताजमहल के नीचे 27 रहस्यमय दरवाजे पाए गए हैं जिसमें शिव मंदिर बने हुए हैं, और ताजमहल के नीचे एक सुरंग भी बनी हुई मिली है जो सीधी जमुना नदी में जाकर खुलती है। बोला जाता है इस सुरंग का प्रयोग शाहजहां खुद अपने लिए करते थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तब तक के लिए बाय।